हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बड़े ही खास टॉपिक पे, जो बहुत ही प्रचंड और बहुत ही नायाब चीज़ है, आजकल मिलती नहीं है। इस मंत्र को तो ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, अघोषित त्रिशूल मंत्र के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि ये काम किस में आता है और ये काम इसका क्या है। देखिए, ये होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अब कोई साधक है, अब वो साधक कर क्या रहे हैं, जैसे कि वो अपनी साधना कर रहे हैं, उन्होंने साधना वाधना कर ली। करने के बाद जब वो लोग, जैसे कि किसी को कोई दिक्कत है, किसी ने कि मान के चलते हैं किसी लड़की को जो है किसी शक्ति ने पकड़ के रखा है, किसी नेगेटिव एनर्जी ने, तो आपने इस मंत्र का करना क्या है, इस मंत्र का आपने उसको 11 बार फूंक मारेंगे पढ़ के, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति वो वहीं पर तुरंत नष्ट हो जाएगी, तुरंत वहीं पे नष्ट हो जाएगी, फिर वो बच नहीं सकती। ये इतना सटीक और इतना शक्तिशाली प्रयोग है। बस चीज़ें क्या है कि आपके पास इस मंत्र का पूरी सिद्धि होनी चाहिए, कम से कम इस मंत्र का आपको 11 लाख जाप तो करना ही करना है। 11 लाख जाप करके तब इसका प्रयोग करें आप, 200% आपको रिजल्ट देगा। अब इसकी सिद्धि करनी कैसे है, अभी तो श्रावण चल रहा है, किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। और आपको करना क्या है कि डेली एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद वहीं मंदिर में बैठ के आपको जाप करना है। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग का देखिए कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि पावन महीना चल रहा है, तो टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। अगर बिना सावन के आप करते हैं तो रात में 10 बजे के बाद करेंगे, या सुबह 3 बजे के बाद, ये होगा आपका समय। कम से कम 11 लाख जाप करना है, बस आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और मंत्र का जाप करना है डेली। ये प्रक्रिया आपको जब आपको करनी है कि 11 लाख मंत्र आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें रखना क्या है, आपको ब्रह्मचर्य जरूर रखना है, बिना ब्रह्मचर्य की कोई साधना नहीं होती, ये बात ध्यान रख लें। ब्रह्मचर्य और रख लें अपना, और अपना इस प्रकार करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये और एक बात याद रखें कि ये त्रिशूल है, तो ऐसा ना हो उसी के ऊपर चलाएं जो जिससे आप जानें कि वो शक्ति गलत कर रही है, तभी उसके ऊपर ये काम करेगा। अगर किसी सही शक्ति के ऊपर आप चलाते हैं और उसका सर्वनाश करते हैं आप, तो ये जान लीजिए उसके पाप के भागीदार स्वयं और स्वयं आप ही होंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। उसके जो भी पाप के भागीदार होंगे, जो भी पुण्य के भागीदार होंगे, वो आप होंगे, स्वयं होंगे, बाकी उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। बस हम आपको जानकारियाँ दे रहे हैं, आपको साधनाएँ बता रहे हैं, ये हमारा कार्य है। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।